वेलकम टू द गुजराती टेस्ट जोन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और आप सभी को दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं आपको एक ऐसी ओपनिंग दिखाऊंगा जो आपने कभी देखी नहीं होगी, नॉवेल्टी आपके लिए रहेगी और ये देख के आपको यही लाइन खेलने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। बहुत यानी बहुत, मैंने पहले ही बहुत ही एक ओल्ड गेम में से ये ओपनिंग निकाली है मैंने आज, तो आपके सामने ये पेश करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप में। तो चलिए शुरू करते हैं स्कैंडिनेवियन डिफेंस। इसमें एक ऐसा वेरिएशन जो दो तरह के ट्रैप है, इसमें ध्यान से देखना दोस्तों, हर एक मूव बाय मूव सारे मूव्स फोर्सिस होते हैं, सभी फोर्स मूव है। E4 D5 E5 Nf6, ये हमारा स्कैंडिनेवियन डिफेंस का मॉडर्न वेरिएशन है दोस्तों। यहाँ पे व्हाइट D4 खेलता है। मैंने आपको D4 अगेंस्ट पहले वीडियो में स्कैंडिनेवियन में पोर्टुगीज गैम्बिट बताई थी जिसमें बिशप G4, लेकिन आज मैं आपको इसी लाइन में एक और नॉवेल्टी बताना चाहूंगा। यहाँ पे नाइट क्रॉस D5। जनरली दोस्तों ये मूव के बाद ज्यादातर व्हाइट प्लेयर C4 करते हैं और मैंने बहुत सारे गेम्स ऐसे खेली भी है C4 के बाद। यहाँ पे कंप्यूटर आपको तीन मूव्स बताएंगे, Nf6, Nb6। ये दो मूव कंप्यूटर में फेमस है, लेकिन मैं आपको एक नॉवेल्टी वाला मूव बताऊंगा, Nb4। Nb4 के बाद जनरली ये एक लालच वाली मूव है, मतलब व्हाइट को तुरंत ही लगेगा कि मुझे ये वाला नाइट चेक के साथ मिल रहा है, तो अर्ली अटैक करने के लिए व्हाइट क्वीन A4 चेक देता है। दोस्तों यहाँ पे आपको नाइट Bc6 खेलता है, उसके बाद अब D5। अब आप सोचोगे या तो एक नाइट हमारा फोर्स मर रहा है या तो हम नाइट देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ लो कि यहाँ पे व्हाइट प्लेयर आपके ट्रैप में फंस चुका है। इसके बाद आपको मूव बाय मूव जैसे कि B5 विद द काउंटर अटैक। B5 के बाद व्हाइट के पास चॉइस है पॉन टेक्स B5, क्वीन टेक्स B5, ये दो ही चॉइस है। अगर वो क्वीन टेक्स B5 करता है और दूसरा जो ऑप्शन है, सपोज क्वीन टेक्स B5 करता है तो सिंपल है, नाइट C2 चेक, नाइट फोर्क में आपको रुक मिल जाएगा, उसके बाद पॉन टेक्स नाइट और कुछ हो नहीं रहा है और ब्लैक सिंपली विनिंग द गेम। लेकिन उसके पास जो दूसरा वाला ऑप्शन है उसमें थोड़े अजीब अजीब मूव्स है ब्लैक के पास, जैसे कि अगर ये पॉन टेक्स B5 करना है, यहां पे दोस्तों आपको खेलना है नाइट D4। अब देखो क्वीन टेक्स B4 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ नाइट C2 चेक। तो दोस्तों यहां पे नाइट C2 थ्रेट भी है और हमारे दोनों नाइट सेव भी हो गए। रिस्क की बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि व्हाइट को भी सामने आपके मूव्स का रिप्लाई देना ही होगा। अगर नाइट A3, ये एक ही रिप्लाई है कि वो उस फॉर्क को बचा सकता है। नाइट E3 के बाद आपको खेलना है E5। हर एक मूव दोस्तों ध्यान से देखना, ये कोई भी व्हाइट के लिए ट्रैप है, ब्लैक के लिए बिल्कुल नहीं है। अब आपके दोनों नाइट सेव हो गए E5 के बाद। अगर यहाँ पे व्हाइट Nf कैप्चर करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बिशप डेवलप हो जाएगा बिशप E6। अब उसके बाद व्हाइट खेलेगा बिशप D2, क्योंकि दो दो नाइट यहाँ पे फोर्क में पड़े हैं तो कोई भी चाहेगा नहीं कि सामने वाले के दो दो पीस सेंटर में पड़े हो और उसका कैसल भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और सरप्राइज मूव, बहुत ही गजब मूव दिखाऊंगा। आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके अपने हिसाब से मूव सोच सकते कि कौन सा मूव होगा मेरे लिए। तो चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको खेलना है क्वीन H4। अब देखो बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स बिशप चेक, क्वीन टेक्स बिशप
देन नाइट एफ थ्री चेक, नाइट टेक्स नाइट, विनिंग द क्वीन। तो ये प्रॉब्लम होता है वाइट को। कुछ मूव्स हम पीछे लेंगे, मैं आपको फिर से बताता हूं कि इसमें अगर वाइट ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा। यहां पे बिशप टेक्स नाइट अगर वाइट ने नहीं किया और सिंपली पॉन जी थ्री करके आपके क्वीन पे अटैक किया, तो बहुत सारे चॉइस है आपके पास। जैसे कि अगर आप क्वीन लेना चाहते तो नाइट डी थ्री सेक्रीफाइस योर नाइट, बिशप टेक्स नाइट, देन नाइट एफ थ्री चेक और डिस्कवर्ड में आपको क्वीन मिल जाएगी। तो एक तो ये वेरिएशन है, दूसरा आप और भी बढ़िया मूव है आपके पास, क्वीन ई फोर चेक विद डबल अटैक ऑन किंग और क्वीन टू एच वन। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रॉब्लम है वाइट को, और उसके बाद में एक और वेरिएशन इसी लाइन में बताऊंगा। फिर से देखते हैं दोस्तों, ए फोर डी फाइव ई क्रॉस डी फाइव, नाइट एफ सिक्स डी फोर नाइट क्रॉस डी फाइव, देन सी फोर नाइट बी फोर क्वीन ए फोर चेक एनबीसी सिक्स। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर हर बार व्हाइट प्लेयर डी फाइव खेले ऐसा जरूरी नहीं है, व्हाइट हैज ए काउंटर, व्हाइट के पास एक काउंटर भी मूव है जो आपके इस नाइट को पहले अटैक करके यहां से हटा के भी वो डी फाइव खेल सकता है, तो क्या होगा देखते हैं हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एच थ्री सॉरी ए थ्री, यहां आपका नाइट ए सिक्स पे जाएगा। अब डी फाइव, अब यहां पे भी व्हाइट की क्वीन ट्रैप होगी, जैसे कि नाइट सी फाइव। अगर व्हाइट को पीस प्लस रहना है तो क्वीन बी फाइव ओनली मूव है। उसके बाद क्वीन बी फाइव के बाद यहां पे आपको ई सिक्स। अब देखो दोस्तों यहां पे पॉन टेक्स पॉन की थ्रेट है और हम अपने पीस को सेव भी कर लेते हैं। बिशप से डी फाइव नाइट को डायरेक्टली सपोर्ट मिल गया है, तो वाइट चाहेगा कि पॉन टेक्स नाइट ले ले। अब नेक्स्ट मूव होगा बी सिक्स, उसके बाद वाइट की क्वीन देखो कहीं भी नहीं जा रही है। बी थ्री पे नाइट का अटैक है, ए फोर पे नाइट का अटैक है, बिशप अटैक, पॉन अटैक, क्वीन बी फोर अगर चलता है तो डिस्कवर नाइट डी थ्री चेक और बिशप टेक्स क्वीन। तो यहां पे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्वीन को बचाने का, कुछ भी खेले कुछ भी खेले, नेक्स्ट थ्रेट में क्वीन ट्रैप हो रही है। जैसे कि उसने नाइट सी थ्री या फिर बिशप से नाइट पे अटैक किया, आप सिंपल ए सिक्स करके क्वीन को ट्रैप कर सकते। तो दोस्तों ये थी क्वीन ट्रैप वाली मूव। तो ये स्कैंडिनेवियन डिफेंस की नॉवेल्टी वाली ओपनिंग है। यहाँ पे नॉर्मल वेरिएशन में बताता हूँ, लेकिन नॉर्मल से ज्यादा आप ये ही ट्राई करो। अगर आपसे हायर रेटेड प्लेयर है तो आप उसे ऐसे सरप्राइज करके जीत सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरी दिवाली वाली जो स्पेशल वीडियो, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं जल्द ही मिलूंगा आपको मेरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात।